एक के बाद एक कई घोटालों का आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है आज नया मामला मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा हुआ सामने आया है जिसमें फर्जी आ, मरीजों को आपने टेस्ट करा दिए और उसके नाम पर पैसा ले लिया सरकार से यह आरोप आप पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया और बाकायदा सीबीआई जांच की बात कही जा रही है इसमें भी देखिए कौन अफसर हैं वो? है वो डीजीएचएस हैं हेल्थ सेक्रेटरी है उनको किसने लगाया अरविंद केजरीवाल ने लगाया नहीं उनको सौरभ भारद्वाज ने लगाया नहीं ये एलजी द्वारा चुने गए अफसर हैं केंद्र सरकार द्वारा चुने गए अफसर हैं हमने तो कई बार शिकायत की है इन अफसरों की कि भाई अफसर ठीक नहीं है इनको हटा दीजिए लिखित में शिकायत की है मैंने सुप्रीम कोर्ट तक में हमने कहा है कि इन अफसरों को हटा दिया जाए आप अपने चहेते अफसरों को लगाएं और उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो फिर आरोप भी आप हम पे लगाएं ये तो पहला इस तरीके की जांच है जो आप खुद अपने खिलाफ करा रहे हैं हमारे खिलाफ कोई ना करा रहे हैं हमने कोई ना फैसले ले रखे हैं वो तो वो आपके चहेते अफसरों ने वो फैसले रख रखे फाइलें आपके पास हैं आपको मालूम कर है कराइए और ये कौ, ये कौन सा भ्रष्टाचार है जिसके अंदर आप कहते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर नकली दवाइयाँ चली गई मगर आपने एक अफसर को जो है सस्पेंड नहीं किया आज आप कह रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला हो गया आपने एक अफसर को सस्पेंड नहीं किया क्यों नहीं कर रहे आप अफसर को सस्पेंड करिए डालिए उनको जेल में क्यों डर रहे हैं आप क्योंकि वो आपके लगाए हुए आपके चहेते अफसर हैं आप खूब जाँच कराइए हमें क्या बात का डर है करते रहिए जाँच जी जितने भी मंत्री आपके इस वक्त जेल में हैं संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन से लेकर ये तमाम लोग अभी जेल के अंदर हैं कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जब इतनी आप लोग ईमानदार हैं और कोई सबूत ईडी सीबीआई को नहीं मिल पा रहे आप लोगों के खिलाफ तो आप कोर्ट में क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे राहत क्यों नहीं मिलती आप लोगों को क्योंकि ये जो कानून है पीएमएलए का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट राजनेताओं के लिए नहीं बनाया गया था यह बनाया गया था ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज ड्रग कार्टल्स ऑर्गेनाइज टेररिस्ट एक्टिविटीज इस तरीके के लोगों के लिए यह पीएमएलए का कानून बनाया गया था कि अगर कोई आदमी पूरे शहर को बम से उड़ाना चाहता है उसके खिलाफ ये आरोप लगे तो आप उसको पहले जेल में बंद कीजिए और तब तक जेल में रखिए जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए ये उल्टा था कानून इसलिए नहीं था कि आप एक मंत्री को किसी आरोप के अंदर जेल में बंद कर दीजिए और तब तक जेल में रखिए जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए कानून ये होता है कि आप जेल में तब तक नहीं रख सकते जब तक दोषी ना हो जाए आपको बेल देनी पड़ेगी मगर इस कानून के अंदर वो प्रोविजन नहीं है बेल के इस कारण इसके अंदर जो है बेल नहीं होती है ये बात सब लोग समझ रहे हैं मगर भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है जैसा कानून बनाना चाहे बना सकते हैं जितना मजबूत करना चाहे उस कानून मदद मजबूत कर सकते हैं तो इसलिए उनकी चल रही है इसलिए हमारे लोगों को बिल नहीं मिल रही है मगर अदालत भी कह रही है अपने खुद अदालत अपने उस कोर्ट के निर्णय के अंदर लिखती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने लिखा है कि यह मामला जो है इसके अंदर कोई सबूत सामने नहीं रख पाई है सीबीआई कोर्ट कोर्ट में कहा जज साहब ने कि यह मामला आपका ट्रायल में दो मिनट नहीं टिकेगा पर क्या कर सकते हैं कानून ऐसा बना हुआ है पैटर्न नजर आ रहा है इंडिया अलायंस में शामिल तमाम नेताओं का आप लोग कहते हैं कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है झारखंड में हेमंत सोरेन हैं बिहार में तेजस्वी यादव हैं छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और सबसे ईडी सीबीआई पूछताछ करेगी लेकिन जब पूछताछ की बारी आती है तो आप लोग बैकस्टेप कर जाते हैं पूछताछ के लिए नहीं जाते जब ईमानदार हैं जब कुछ नहीं किया तो पूछताछ से डरना क्यों नहीं ये 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 जो बात आप कह रहे हैं किस लेवल की पूछताछ करेंगे आप हो तो चुकी पूछताछ कितनी बार पूछताछ करेंगे आप रोज बुला के रखेंगे ऐसा कोई ना होता है और वही ईडी सीबीआई बी जिसकी क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है मैं उसी ईडी सीबीआई से पूछना चाहता हूं कि जो ये बड़े बड़े नेताओं के मैंने नाम बताए हेमंत बिश्व शर्मा मुकुल रॉय शुभेंदु अधिकारी छगन भुजबल अजीत पवार पेमा खांडू नारायण राणे भाई इनके केसों का क्या हुआ आप भी तो मुझे बताइए इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा ये कब जेल जाएंगे इनसे कब पूछताछ की जाएगी इनके केस कैसे खत्म हो गए मतलब तो किस कानून में इनके इनके केस खत्म हो गए भाई इनकी तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब ईडी डी सी इनको बुला रही है आप जाए नहीं रहे क्या क्या बची है क्रेडिबिलिटी आज इन ईडी डी सी की मजाक बन गया है ये लोग सिर्फ एक आपके पास एक डंडा आ गया कानून का आप उस डंडे से हर एक को हाँकना चाह रहे हैं हर एक को जेल में डालना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं अरे साहब आप जेल में नहीं जा रहे आप डर क्यों रहे हैं जेल में जाने से क्यों जाए हम जेल के अंदर नहीं जी जेल में आप इसलिए जाइए ताकि हम आपको सर्टिफिकेट दे दें कि आपने सहयोग दिया हमें नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट आप रख लीजिए अपना वो सर्टिफिकेट छगन भुजबल को दे दो वो सर्टिफिकेट हेमंत बिश्व शर्मा साहब को दे दो वो सर्टिफिकेट